भारत की अगुवाई में आज ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होना है। इस सम्मेलन में भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स देशों का यह शिखर सम्मेलन चीन जैसे देशों के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद ब्रिक्स देशों का रुख पहली बार सामने आएगा। काबुल में तालिबान राज के बाद आज दुनिया के बड़े देश ब्रिक्स के मंच पर मिलने वाले हैं। आज होने वाली ब्रिक्स की बैठक में साफ हो जाएगा कि तालिबान के मसले पर चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों की मंशा क्या है। भारत की अगुवाई में आज ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन है। इस वर्चुअली सम्मेलन को पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं। माना जा रहा है कि ब्रिक्स देशों के 13वीं शिखर सम्मेलन में तालिबान पर फोकस रह सकता है, क्योंकि 20 साल बाद अफगानिस्तान में फिर से तालिबान राज लौट कर आया है। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ही चीन ने इसे लेकर अपना एजेंडा जाहिर कर दिया है। चंद दिनों पहले अफगानिस्तान पर पूछे गए सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि ब्रिक्स उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग का एक अहम मंच है। ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक सकारात्मक शक्ति की तरह है। साफ है कि चीन अफगानिस्तान में तालिबान राज को एक सकारात्मक बदलाव के तौर पर देख रहा है और काबुल में शैतानों की सरकार का खुले तौर पर समर्थन कर रहा है। इस बार ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन का विषय अंतर ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। भारत ने अध्यक्ष के तौर पर चार बातों को ब्रिक्स के मंच पर प्रमुखता से रखने का फैसला किया है। इनमें शामिल है बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद से मुकाबला, डिजिटल और प्रौद्योगिकी, लोगों के बीच मेलजोल। बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर मची तबाही और दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर भी ब्रिक्स के मंच पर चर्चा हो सकती है। हालांकि ब्रिक्स सम्मेलन में भारत का जोर आतंकवाद पर रह सकता है। भारत आतंक का खुले तौर पर समर्थन करने वाले देशों के खिलाफ भी इस मंच पर खुलकर बोल सकता है। पिछले महीने भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स प्रतिनिधियों की बैठक में सीमा पार आतंकवाद और आतंकी संगठनों पर कड़े एक्शन का मुद्दा उठाया था। इसके पहले भारत ने साल 2016 में गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद इस साल भारत को ब्रिक्स देशों की मेजबानी का मौका मिला है। हालांकि कोरोना की वजह से इस साल वर्चुअल बैठक का आयोजन किया जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। पाकिस्तान के सरहद के बेहद करीब देश को मिलने जा रहा है ऐसा इमरजेंसी एयर स्ट्रीप, जहां हाईवे से वायुसेना के विमान आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेंगे। सरहद के बेहद करीब इस एयर स्ट्रीप के ऑपरेशनल होने के बाद देश के दुश्मनों की टेंशन बढ़नी तय है। बॉर्डर पर मचेगा गदर, हिल जाएंगे दुश्मनों के दिल जब हाईवे पर दहाड़ते हुए उतरेगा वायुसेना का फाइटर जेट। पाकिस्तान की सरहद से महज 40 किलोमीटर दूर आसमान को चीरते हुए उड़ान भर रहे हैं एयरफोर्स के फाइटर जेट। ये तस्वीरें हैं वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लैंडिंग की। ये फाइटर जेट बेहद खास मौके के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज देश को मिलने वाला है इमरजेंसी एयर स्ट्रीप का तोहफा। भारतीय वायुसेना का ये खास ठिकाना पाकिस्तान की नाक में दम कर देगा। पलक झपकते ही कि विमान इस लैंडिंग स्ट्रीप से उड़ान भरेंगे और दुश्मनों की हिमाकत को खाक में मिला देंगे। इस एयर स्ट्रीप से एयरफोर्स अपने सभी जगह के विमानों का संचालन कर सकेगी। इस एयर स्ट्रीप की लंबाई 3 किलोमीटर है। ये इमरजेंसी हवाई पट्टी 33 मीटर चौड़ी है। इस पर मिग, सुखोई और हरक्यूलिस विमान लैंड कर सकेंगे। एयर स्ट्रीप पर 32.95 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोनों तरफ 40x180 मीटर की दो पार्किंग बनाई गई है। लैंडिंग के बाद विमानों को यहां पार्क किया जा सकता है। इमरजेंसी हवाई पट्टी के पास करीब 3.5 किलोमीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई गई है। इस पर 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस सर्विस रोड का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि एयर स्ट्रीप पर विमानों की लैंडिंग के दौरान ट्रैफिक के मूवमेंट में कोई रुकावट ना आए। एयर स्ट्रीप के ऑपरेशन होने के साथ ही राजस्थान यूपी के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन जाएगा
जहां एयरपोर्ट के लिए इस तरह की एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है। इस एयर स्ट्रिप का उद्घाटन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। पाकिस्तान के बॉर्डर से सटी देश की यह पहली हवाई पट्टी है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जालोर के करीब नेशनल हाईवे 925A पर वायुसेना का टच एंड गो ऑपरेशन है। यहां करीब 1.5 घंटे तक एयरफोर्स के सुखोई SU-30, मिग और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान तेज गर्जना के साथ लैंडिंग करेंगे और उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान की सरहद के करीब आज आसमान में एयरफोर्स के फाइटर जेट की गर्जना से देश के दुश्मनों का दिल दहल जाएगा। वायुसेना को इस्तेमाल के लिए औपचारिक तौर पर सौंपे जाने के बाद इस एयर स्ट्रिप से एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर वार कर सकेगी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन को भी आसानी से अंजाम दे सकेगी। टीम न्यूज़ नेशन।